ये आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तो हम बात कर रहे हैं आगरा की, जहां पर अराजक तत्वों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। लोटस हॉस्पिटल में जमकर हुआ हंगामा और तोड़फोड़, ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से परिजनों ने वहां पर तोड़फोड़ की। अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की और अराजक तत्वों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। ड्यूटी स्टाफ को बुरी तरीके से मारा पीटा, किस तरीके से स्टाफ जो है वो घायल हुआ है। तोड़फोड़ का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है किस तरीके से। त्यागी हमारे साथ जुड़ गए नागेंद्र। ड्यूटी स्टाफ को बुरी तरीके से मारा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो मामले ने इस कदर तूल पकड़ लिया? बिल्कुल आलोक, मैं बताना चाहूंगा, आगरा में हालत बिल्कुल दर बदर बदतर बनते जा रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद किए बैठा हुआ है, इसको लेके तीमारदाराओं बड़ी गुस्सा है। कल रोड पे प्रदर्शन भी हुआ इसी को लेके। लोटस हॉस्पिटल में मरीज एडमिट था 3 दिन से, जब वहां पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि इसको वेंटिलेटर की आवश्यकता, उसके बाद जो परिजन थे वो आक्रोश में आ गए और उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। फिलहाल मामला क्या ऐसा हो गया और इस वक्त अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन वहाँ पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हो गया, अस्पताल प्रबंधन के लोग भी वहाँ पे हैं। उनका कहना है कि हमने बस परिजनों को परिचित कराया कि हमारे पास गैस ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, उसी को लेकर लोगों में आक्रोश जाहिर हो गया और लोग जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मारने पे और हॉस्पिटल में नुकसान पहुंचाने पर तारू हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नागेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल अस्पताल प्रबंधन अब क्या कुछ उसका अगला कदम होगा और वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो तोड़फोड़ का।